तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन होने वाला है और कहानी आपको काफ़ी हद तक पसंद आने वाली है। वीडियो क्रेडिट टेल्स चैनल को जाता है, इनकी बहुत बहुत प्यारी आवाज़ है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर वीडियो मेरी आवाज़ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। कहानी शुरू होती है ऐसे किरदार से जिसका नाम होता है थॉमस। उसकी गर्लफ्रेंड या उसे कहें उसकी फ्रेंड मिमी, जिसे वो बहुत चाहता है, पर ये प्यार एक तरफा है क्योंकि उसकी जो फ्रेंड मिमी है वो उसे कहती है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब कि थॉमस का सोचना है कि एक प्यारी लड़की जो कि उसके जीवन में, उसे नहीं जानना चाहता, पर वो कहती है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड पहले से है। पर वो कहता है कि हमने एक रात जरूर साथ बिताई है, क्या वो उसको कुछ नहीं था? पर मिमी जवाब देती है कि वो सिर्फ एक्सीडेंट था, इसलिए उसको बहुत डिस्टर्ब महसूस होता है। थॉमस को अच्छा ही लगता है जब कोई लड़की आपको इस प्रकार से जवाब दे दे, लेकिन जब लड़की नखरे कर दिए और उसके बाद जब पता चलता है कि लड़का सचमुच से प्यार करता था, तो लड़की के हाथ में कुछ नहीं रहता है। अब सोच के अलावा कई बार लड़की ऐसा ही करती हैं, ट्राई करती हैं और सोचती हैं कि मैं एक बहुत अच्छी लड़की हूँ जिसे बहुत अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, लेकिन कभी भी सोच नहीं पाते हमें हमारे साथ क्या चीज़ अच्छी है और क्या नहीं है। और इस बात से वो बहुत नाराज़ हो जाता है और वो सोचता है कि यहाँ पर उसको क्वाइट कर देना चाहिए। तो उसकी फ्रेंडशिप को भी क्वाइट करने की सोचता और उसे बता देता मिमी को, जिससे मिमी अपसेट भी हो जाती है। उसी प्रकार थॉमस भी अपसेट होते हुए घर पहुँचता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो काफ़ी रहस्यमय व्यक्ति लग रहा होता है। वो उसे कहता है कि तुम आज बहुत अपसेट हो, क्या तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? मुझे पता है कि वो एक गर्लफ्रेंड है, कोई लड़की है। और यहाँ पर थॉमस बहुत लाजवाब हो जाता है, लेकिन गेराल्ड उससे चिल्लाते हुए पूछता है, अगर तुम उसका नाम बता दो, उसके बारे में बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकता हूँ। लेकिन उसका मूड कुछ भी नहीं था बताने को। आखिरकार बाद में सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है गेराल्ड उसके पास बैठा हुआ है और ड्रीम कर रहा है, उसके बारे में वो पूछ रहा है और बहुत अच्छे से आराम से थॉमस मिमी के बारे में बता रहा है कि उसका नाम मिमी है और ये सब चीज़ें बता रहा है कि क्या हुआ। लेकिन गेराल्ड कहता है ये बहुत आम बात है, इस एज में तुम लोग की एज बहुत कम है और ये खींचतानी होती रहती है, इसलिए तुम उसे दूर रहो, वो तुम्हारे पास आ जाएगी। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉमस अपने पेरेंट्स के साथ लंच कर रहा है। मॉम उसकी जूडी उसे बहुत प्यार करती है, वो कहती है वो उसकी दुनिया है थॉमस, और इस वजह से कि वो उसे बहुत प्यार करती। ईथन उसके डैड है जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी उसे बहुत पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो भी काफ़ी अच्छा नाम रोशन करे। यहाँ पर मिमी और थॉमस अच्छा समय बिता रहे होते एक क्लब में, तभी वो देखता है कि उसके डैड एक लड़की के साथ अफेयर कर रहे हैं, और जब चुमन क्रिया हो रही है तो उसे देख लेता है। उससे काफ़ी अपसेट होता है थॉमस और मिमी से डिस्कस करता है, दिस इज़ वेरी डिस्कस्टिंग, मेरे बाप डैड को ऐसा नहीं करना चाहिए। और डैड से इस बात की शिकायत करने पहुंचता है, उनसे बात करना चाहता है, लेकिन वो उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती है, उसके अंदर दम नहीं आती बम में कि वो उसे कह सके डैड ये तुम क्या कर रहे थे। उल्टा डैड ही उसकी क्लास ले लेते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, जो हर डैड अपने बेटे से लड़कों से कहते हैं। यहाँ पर गेराल्ड भी उससे कहता है कि ये सब सही नहीं है, क्योंकि वो गेराल्ड को सब बता देता है कि ईथन का एक मोइल नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है। एक्चुअली में क्या था कि जो ईथन है वो अपने जवानी के टाइम पर एक राइटर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी लेखनी अच्छी ना होने के कारण कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, इससे उनकी जो बुक थी वो पब्लिश नहीं हो पाई। यहाँ पर सीन चेंज होता है और थॉमस मिमी ईथन का पीछा कर रहे थे, मतलब उनको वॉच कर रहे थे कि मोइन उनसे मिलने आती है कि नहीं आती, लेकिन जब मोइन दिखते हैं निकलती है तो उसका पीछा करता है और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ती है कि वो जाके डायरेक्ट बात कर लेता है कि तुम्हारे मेरे डैड से नहीं मिलना चाहती। लेकिन मोइन उसे लाजवाब कर देती है, वो कहती है मैं तुम्हारे बारे जानती हूँ, तुम कौन हो, क्या चाहते हो। देखो वो कहती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमें करनी पड़ती है ना चाहते हुए, जैसे तुम्हारे डैड और मॉम, तुम नहीं जानते उनके बारे में कितने डिस्टेंस हैं। वो कहता है मैं सब जानता हूँ, वो तुम्हें नहीं छोड़ सकते, उन्हें को मॉम को नहीं छोड़ सकते, मुझे प्यार है। पर वो कहती है ऐसा नहीं है, जैसा कि तुम चाहते हो वैसा नहीं, क्योंकि तुम चाहे तो मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो, मेरे साथ वो सब करना चाहते हो। पर वो चिढ़ जाता है इस बात से और वो अपने घर पहुँचता है मॉम के पास।
और मॉम का हाथ लेके बैठ जाता है। और उसकी मॉम बहुत सारी बातें करती है, बहुत बहुत पुरानी बातें। वो कहती है कि तुम मेरी दुनिया हो, तुम सब कुछ हो बेटे, तुम अपना ख्याल रखना। वो बहुत इमोशनल हो जाता है और ये बात वो समझाने जाता है मोइन को, कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी मॉम और डैड की ज़िंदगी से दूर चले जाओ, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेंगे। इस बात को लेकर मोइन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। वो सोचती है कि बाकी में ईथन ने मुझसे जो कमिटमेंट किया है शादी का, वो ऐसा करेगा क्या? वो बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गेराल्ड और थॉमस बात कर रहे होते हैं। वो उससे पूछता है कि तुम उनको पसंद करते हो, वो पहले मना करता है, जब फोर्सफुली पूछता है तो हाँ कर देता है। वाह बेटे, अपने अपने डैड की गर्लफ्रेंड से प्यार। नेक्स्ट पार्टी में देखते हैं कि वो मिमी उनके साथ होती है, लेकिन यहाँ पर थॉमस की नज़र मोइन पर पड़ जाती है, बहुत बड़े करोड़पति के साथ होती है। उसे कहता है टंट मार के, कमेंट करके, कि तुम एक करोड़पति को दिल बहलाने के लिए कितना पैसा लेती हो, ऐसा ही काम करती हो ना तुम। तो उससे चिढ़ जाती है, गुस्से में उनमें हाथापाई होती है, हाथापाई में उनमें प्यार हो जाता है और इंटीमेट भी हो जाते हैं। वाह, ऐसा भी होता है। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है गेराल्ड अपनी बुक के बारे में उसे डिस्कस कर रहा होता है कि उसे क्या लिखना था और कैसे लिखना था और कब तक वो पूरा होगा। और यहाँ पर थॉमस की भी तारीफ करता है कि बहुत अच्छे वो चीज़ों को कलेक्ट करता है और वो अच्छी उसकी राइटिंग स्किल है, वो अच्छा खासा लिख सकता है, वो अच्छा राइटर बन सकता है। तो उसे बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो पहुँचता है डैड के बुलाने पर। उसे लगता है कि मोइन को उसके बारे में पता चल चुका होगा और उसे थप्पड़ पड़ने वाले हैं या कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर डैड उससे उल्टा पूछते हैं कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुमने कुछ सोचा है, तुम्हारी बुक भी अभी तक पॉलिश नहीं हुई है। उसके बाद डिस्कस होता है। उसके बाद जब वो घर आता है तो देखता है कि गेराल्ड एक बहुत अच्छा राइटर है और थॉमस के बारे में वो लिख रहा होता है। उसे बहुत खुशी होती है और वो ऐसा नहीं है कि अब से लिख रहा हुआ, जबकि जब से उसके साथ है तब से वो उसके लिए लिख रहा है और उसे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दिन वो देख लेता है मोइन को फिर से ईथन के साथ, उसे बहुत डिस्टर्ब होता है। लेकिन यहाँ पर मिमी को शक हो जाता है थॉमस पर और थॉमस से कहती है कि तुम ऐसा तो नहीं कर सकते, मुझे विश्वास है, लेकिन क्या तुम्हारे उनके बीच में कुछ चल रहा है क्या? मुझे लगता नहीं, लेकिन वाकई में उन दोनों के बीच बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ। थॉमस उससे कहता है कि तुम उनके बीच से हट जाओ, सिर्फ मुझसे प्यार करो। लेकिन वो दोनों की केयर करती है, वो सोचती है कि दोनों के बीच में संबंध बना रहे। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, अजीब ही प्रकार की सोच होती है, लेकिन वो सोचती है कि धमकी मिल रही है इसलिए वो सोचती है कि दोनों के जीवन से हट जाएगी। यहाँ पर थॉमस ईथन को देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। ईथन की पार्टी में गेराल्ड को भी ले जाता है। थॉमस वो कहता था मेरी वो माँ है, मेरी मिमी है, मेरी गर्लफ्रेंड, पर वो कहता है थॉमस कि तुम्हारी मॉम बहुत सुंदर है। और मोइन जब ऊपर टेरेस पे होती है तब गेराल्ड वहाँ पहुँच जाता है और उसे कहता है कि अगर थॉमस को कुछ भी हुआ, हम जानते हैं कि तुम क्या करना चाहती हो, क्या तुम्हारे मूड में है, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें अच्छा नहीं होगा, बहुत कुछ पे करना पड़ेगा। जब वो जा रही होती तभी थॉमस उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि तुमने क्या किया। वो उसे कहती है कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, तुम्हारे डैड ने मुझे प्रपोज किया था, कमेंट की थी, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। वो उससे हटती है, लेकिन जब मूड बनता है उसको अपनी मॉम को सब कुछ बताने का, तब मॉम और डैड उसके मतलब ईथन और जोई बहुत अच्छे मोमेंट में शेयर कर रहे, तब उसे कुछ नहीं बताता है। लेकिन यहाँ पर पीछा करती मिमी उसका, उस भीगी रात में उसका मन भीगा हुआ था। वो उस कहती है कि तुम मुझसे पीछे छुड़ाना चाह रहे हो क्या, तुम भाग रहे हो, मेरा मन तुम्हारे लिए है, मैंने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है मेरा मोइन के साथ संबंध हो गया है, तब वो उसे छोड़ के भाग जाती है, वो अपसेट हो जाती है। आज रात उसने मॉम के घर ही समय बिताया। मॉम कहती है तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है, तुम सब कुछ हो। वो कहता है मुझे बहुत कुछ बताना, बहुत कुछ कहना है। लेकिन जोई कहती है बहुत कुछ करना जरूरी होता है बहुत कुछ ना करने से, कभी कभी कुछ करना पड़ता है। तब वो ये बात बताने उसके ईथन के पास जाता है, लेकिन तभी मोइन उसके पीछे से आती रोकती है, लेकिन वो रुकता नहीं और सब कुछ बता देता है। और जब बताता है तो उसके डैड के ऊपर बिजली सी गिरती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही संबंध बनाए, उसने इतना बुरा किया जिसके लिए कोई माफ़ी वाला काम नहीं है। वो रोते हुए उसे मार सकता था लेकिन वो चला जाता है। मोइन उसे एक फ्रेम देती है, उस फ्रेम में देखता है कि गेराल्ड उसके पीछे जो जहाँ पर दर्शक होते वहाँ बैठे होते उसको देखने आता था। मतलब कहानी कुछ इस तरह थी कि गेराल्ड जोई और ईथन जवानी के दिनों में फ्रेंड थे, उनमें काफ़ी प्यार था,
जोई ग्रिलर में काफ़ी प्रेम था, लेकिन शादी उसकी ईथन से होती है और काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर ईथन बाप नहीं बन पाता है, क्योंकि ईथन के अंदर कमी थी, उसे प्रॉब्लम थी कि वो बाप नहीं बन सकता। तब ग्रिलर का सहारा लिया गया और ग्रिलर ने उसे प्रेग्नेंट किया। उन दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम तो था ही, लेकिन वो अब अलग नहीं हो सकते थे। और उनके बाद थॉमस हुआ और थॉमस के माँ बाप ईथन और जोई बने रहे, इसके लिए वो दूर चला गया था। लेकिन जब वो देखा उसका बच्चा बहुत टैलेंटेड है, उसे संभालने के लिए वापस आ जाता है और फिर वो सब काम करता है जो उसे चाहिए। यहाँ पर सिर्फ थॉमस के लिए दोनों बने हुए, ईथन और जोई। लेकिन वो कहता है कि जब भी उसके लिए वो लिखता था उसे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पर बहुत सरप्राइज होता है थॉमस भी कि गेराल्ट से ही उसे सब कुछ मिला होगा, क्यों नहीं, क्योंकि वो उसका लड़का है, मतलब वो बहुत अच्छा राइटर जरूर बनेगा। और वो वादा करता है कि बहुत अच्छी बुक लिख के वो पब्लिश करेगा, ऐसा होता भी है। उसके बाद वो अपनी मॉम से मिलता है और गेराल्ट के बारे में बताता है, बहुत बजायस हो जाती है जिसे होती है और कहती है वो कहाँ पर है। इसके एक साल बाद दिखाया जाता है शीन की जो थॉमस है उसकी बुक पब्लिश हो चुकी है। और इसके बाद सरप्राइज देने वो उसे बीच करने आता है ईथन, उसे कहता है कि बहुत बढ़िया रहा, मतलब उसने जो दुश्मनी हुई थी उसको ख़त्म कर दिया और दोनों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और काफ़ी हंसते खुसते नज़र आ रहे होते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गेराल्ट की बुक भी पब्लिश हो चुकी है, उसको वो सुना रहा होता है जोई को। जोई को और गेराल्ट को एक साथ देखते हुए बहुत खुश होता है थॉमस। और ईथन ने भी शादी कर ली थी जोई से, सॉरी मोविन से। उसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।